ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आइए आज हम जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट उपकरण है जिसमें अनेक कीज होती हैं। इन्हीं कीज को दबाकर कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है। कीबोर्ड की कीज टाइपराइटर की कीज की तरह होती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले में लैपटॉप कंप्यूटर में कीज कम होती हैं। ये राइट हैंड साइड की तरफ आप ये जो कीज देख रहे हैं ये आपको लैपटॉप में नहीं मिलेंगी। डेस्कटॉप में कीबोर्ड अलग दिखाई पड़ता है जबकि लैपटॉप में यह उसके साथ ही होता है। दिखने में कीबोर्ड कई तरह के हो सकते हैं किंतु इनका मूलभूत कार्य एक जैसा ही होता है। कीबोर्ड का मुख्य भाग अक्षर तथा अंकों यानी अल्फाबेट्स और नंबर से बना होता है। इसमें कुछ विशिष्ट कीज भी होती हैं जैसे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, एंटर इत्यादि जो आपके काम को आसान बनाती हैं। आइए अब इन कीज का उपयोग सीखते हैं। आइए सबसे पहले सीखते हैं स्केप की का उपयोग। स्केप की आपके कीबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइन में सबसे ऊपर पहली की होती है। इसका उपयोग प्रायः किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्ट मेन्यू खोला हुआ है पर इसमें से अब आपको कोई प्रोग्राम नहीं चाहिए और आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर स्केप की को प्रेस कर दें और ये चला जाएगा। या कभी गलती से राइट क्लिक हो गया है और पॉपअप मेन्यू सामने आ गया है और आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो आप स्केप की को प्रेस कर दीजिए और ये पॉपअप मेन्यू चला जाएगा। स्केप की सीखने के बाद टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, एंटर इत्यादि कीज का प्रयोग हम सीखते हैं। इनका प्रयोग प्रायः टाइपिंग के दौरान होता है और उसके लिए हम पहले एक प्रोग्राम जिसका नाम है नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पर जाकर क्लिक करें और यहाँ से आप जाएं ऑल प्रोग्राम पर। ऑल प्रोग्राम में आप एक्सेसरीज में जाएं और एक्सेसरीज से ये देखिए यहाँ पर नोटपैड है, इसको क्लिक करें, ये नोटपैड ओपन हो गया है। यहाँ पर अब हम हमारा टाइपिंग का काम कर सकते हैं और अपनी इन कीज़ की प्रैक्टिस के लिए हम एक सेंटेंस टाइप कर लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय। आपके अल्फाबेट्स वाली जो कीज़ हैं उनकी मदद से हमने राम इज़ अ गुड बॉय ये सेंटेंस टाइप कर लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सेंटेंस के अंत में एक खड़ी लाइन है जो ब्लिंक कर रही है, इसे हम कहते हैं कर्सर। अब अगर आप नया वाक्य लिखना चाहते हैं, इसमें आगे श्याम इज़ अ गुड बॉय लिखना चाहते हैं और अगली लाइन पर आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये जो एंटर की है अपने कीबोर्ड पर इसको प्रेस कर दें। ये देखिए जैसे ही हमने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस किया कर्सर हमारा अगली लाइन में आ गया। एक बात आपको बता दें, आपके कीबोर्ड पर आपको एंटर की दो जगह मिलती है, एक तो यहाँ पर और एक राइट हैंड साइड पर नीचे कॉर्नर में भी एंटर की होती है। दोनों में से कोई से भी की आप दबाएंगे तो वो अपना काम कर देगी। अब हम अगली लाइन से अपना अगला सेंटेंस लिखना चाहते हैं, श्याम इज अ गुड बॉय। अब हमने लिखा श्याम। अब आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप बिना स्पेस दिए लिखते जाएंगे तो ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, ऊपर जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है वो नहीं आएगा। इसके लिए हमें हर वर्ड के बाद स्पेस देना होगा। स्पेस देने के लिए आपके कीबोर्ड पर सबसे लंबी जो की होती है इसे हम कहते हैं स्पेस बार, वो आपको दबाना होगा। जैसे ही हमने स्पेस बार दबाया देखिए यहाँ पर स्पेस आ गया। अब हमने लिखा हमारा अगला वर्ड इज़, फिर हमने स्पेस दिया, फिर लिखा अ, स्पेस दिया गुड, स्पेस दिया बॉय और यह हमारा सेंटेंस लिखा गया। स्पेस बार प्रेस करने पर वो एक लेटर की जगह छोड़ता है
और आपको जितनी बार वो जगह छोड़नी है उतनी बार आपको स्पेस बार प्रेस करना होता है। पर मान लीजिए कभी ऐसी ज़रूरत हो कि आपको ज़्यादा जगह छोड़ने की ज़रूरत हो, उदाहरण के लिए आप सेंटेंस लिखने की बजाय केवल कुछ वर्ड्स लिखना चाहते हैं वो भी ज़्यादा जगह छोड़कर, हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। एंटर दबाकर हम अगली लाइन में आ गए और अब हम वर्ब के फॉर्म्स लिखना चाहते हैं। मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं गो, वेंट, गॉन। पहले हमने लिखा गो और अब हमें ज़्यादा जगह छोड़ करके यहाँ पर लिखना है वेंट। तो अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो या तो आप स्पेस बार दबाते जाएं और फिर यहाँ पर आएं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएं टैब की पर और उसे प्रेस कर दें। ये देखिए एक बार में ही आपका कर्सर इतनी जगह छोड़कर यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आप टाइप कर दें वेंट। अब आप फिर इतनी ही जगह छोड़ना चाहते हैं तो फिर टैब पर जाकर उसे प्रेस करें और फिर टाइप कर दें गॉन। इस तरह से अगर आप वर्ब की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो एक के नीचे एक इसी तरह से आप वर्ब्स लिखते जा सकते हैं। एंटर दबा करके हम नीचे आए और हम अगली वर्ब लिखना चाहते हैं, हमने लिखा डू, टैब दबाया, फिर इतना गैप हमको मिल गया, फिर हमने लिखा डिड, टैब दबाया और फिर हमने लिखा डन। ये देखिए टैब दबाने से आपको इतना लंबा स्पेस मिल जाता है। आइए अब सीखते हैं कैप्स लॉक का प्रयोग। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो प्रायः उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, पर जब आप टाइप करना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि जैसे ही आप उस अल्फ़ाबेट को दबाते हैं वो स्मॉल लेटर में आता है। अगर आप उसको कैपिटल करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो है कि आप अपने कीबोर्ड पर टैब के नीचे जो कैप्स लॉक की है उसे दबा दें। जैसे ही आप कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके कीबोर्ड पर राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर तीन हरी बत्तियाँ होती हैं, उसमें से बीच वाली बत्ती जल जाएगी। इसका मतलब कि अब आपका कैप्स लॉक की जो है वो ऑन हो गई है और अब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में होगा। मान लीजिए हम अपना सेंटेंस लिखते हैं श्याम इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने जो भी लिखा वो पूरा कैपिटल लेटर्स में आया है। जब तक आपकी कैप्स लॉक की ऑन रहेगी तब तक जब भी आप टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखाएगा। काम होने के बाद आप कैप्स लॉक की को ऑफ करना न भूलें। उसके लिए वापस उसे एक बार आप प्रेस कर दें, कैप्स लॉक की आपकी ऑफ हो जाएगी और इंश्योर करने के लिए आप देखें कि आपकी जो हरी बत्ती जो जली थी वो बुझ जाएगी। प्रायः होता यह है कि सेंटेंस लिखते समय हमें केवल पहला लेटर कैपिटल चाहिए होता है और बाकी सारे लेटर्स हमको स्मॉल चाहिए होते हैं। ऐसे में आप शिफ्ट दबाकर अगर उस अल्फ़ाबेट को, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कैप्स लॉक के नीचे शिफ्ट है, शिफ्ट को दबाकर आप रखें और फिर एस अगर आपको लिखना है तो फिर आप एस को प्रेस करें तो ये आपका एस कैपिटल आ गया, और उसके बाद आप शिफ्ट छोड़ दें और बाकी आपको जो लेटर्स टाइप करना है वो नॉर्मली आप प्रेस करते जाएं तो आपका बाकी सारे लेटर्स स्मॉल आएंगे। आइए अब शिफ्ट की का दूसरा प्रयोग सीखते हैं। आप अपने कीबोर्ड पर देखिए सबसे ऊपर वाली जो कीज़ हैं इनके नीचे जो हैं जिस पे नंबर्स लिखे हैं, अपने कीबोर्ड पर आप देखेंगे कि इन नंबर्स के ऊपर भी कुछ साइन हैं। अगर आपको इन नंबर्स का प्रयोग करना है तो आप सीधे उस की को प्रेस कीजिए और वो नंबर आ जाएगा। अगर आप 5 चाहते हैं तो 5 को प्रेस कीजिए, 6 चाहते हैं तो उस की को प्रेस कर दीजिए, ये नंबर आ रहे हैं। पर अगर आप इसके ऊपर जो साइन छपे हुए हैं उनका प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले शिफ्ट दबाना होगा। आप शिफ्ट दबा करके रखिए और फिर जब आप इन क्रीज़ को प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसके ऊपर जो साइन हैं वो आ जाएंगे। अब आप 5 नंबर वाली की को प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का साइन आएगा, 6 नंबर वाली की को प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर का साइन आ जाएगा।
अब मान लीजिए ये जो साइंस और नंबर यहाँ पर आए हैं वो हमें नहीं चाहिए, हम उन्हें मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखिए आपके कीबोर्ड पर जो नंबर्स वाली कीज़ हैं उनके एंड में एक थोड़ी बड़ी की है जिसमें लेफ्ट की तरफ एरो का साइन है, इसे हम कहते हैं बैक स्पेस की। इस बैक स्पेस की को आप अगर प्रेस करते जाएंगे तो ये जहाँ भी हमारा कर्सर है उसके लेफ्ट की तरफ से ये लेटर्स को या नंबर्स जो भी हैं उनको मिटाना शुरू कर देगी, और अगर आप इसको दबा करके रखेंगे तो ये कंटिन्यूस आपकी लाइन इस तरह से मिटती जाएगी। पर मान लीजिए आपको लेफ्ट की तरफ से लेटर्स नहीं मिटाना है, आपका कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है और ये जो श्याम लिखा हुआ है ये आपको नहीं चाहिए। अब अगर आप बैक स्पेस की को दबाएंगे तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है जिसको ये मिटाए, तो इसके लिए अगर आप श्याम को मिटाना चाहते हैं तो या तो आप अपना कर्सर श्याम के एंड में रखें, और अगर आपका कर्सर शुरुआत में है तो आप यहाँ पर डिलीट की का प्रयोग कर सकते हैं। डिलीट की ये जो आपके एरोज होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर आपको एक लंबी की के रूप में मिलेगी। आप अपने कीबोर्ड पर डिलीट की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक एक करके सीधी तरफ से लेटर्स मिटना शुरू हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो बैक स्पेस की लेफ्ट की तरफ से अक्षरों को मिटाती है और डिलीट की राइट की तरफ से अक्षरों को मिटाती है। आइए अब हम सीखते हैं एरो कीज का उपयोग। इनका उपयोग कर्सर को ऊपर ले जाने, नीचे लाने, लेफ्ट में ले जाने या राइट में ले जाने के लिए किया जाता है, और वो डायरेक्शन आपको इन कीज पर नज़र आता है। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ है, या तो हम इसे माउस की मदद से इधर ला सकते हैं, और अगर आप इन कीज का उपयोग करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम अपने कर्सर को राइट में लाना चाहते हैं तो आप राइट एरो वाली की को प्रेस कीजिए और ये देखिए आपका कर्सर राइट में आ गया। लेफ्ट में ले जाना है तो आप इसे लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं। अब अगर आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो अप वाले एरो को आप प्रेस कीजिए, नीचे लाना चाहते हैं तो जो डाउन वाला है उसको प्रेस कीजिए। आइए अब हम सीखते हैं होम की और एंड की का उपयोग। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी हमारा कर्सर जो है वो इस लाइन की शुरुआत में है। अगर आप इस लाइन के एंड में आना चाहते हैं तो आप एंड की पर जाकर उसे प्रेस कर दीजिए, ये देखिए आप एंड में आ गए। और अब अगर आप शुरुआत में कर्सर लेना ले जाना चाहते हैं तो आप होम की पर जाइए और उसे प्रेस कर दीजिए, और आप देखेंगे कि लाइन की शुरुआत में आपका कर्सर आ गया। तो अब इन कीज का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसके लिए आप चाहे एरो कीज का उपयोग करें, होम की का प्रयोग करें, एंड की का प्रयोग करें या माउस का उपयोग करें। होम की और एंड की के पास दो कीज और हैं, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप से आपका पेज जिस पर आप काम कर रहे हैं वो ऊपर चला जाता है और पेज डाउन से आपका पेज नीचे आ जाता है। इसका उपयोग आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। इसके अलावा दो कीज और हैं, कंट्रोल की और अल्टर की। कंट्रोल की और अल्टर की के साथ दूसरी कीज के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके हम इन्हें विभिन्न कामों के लिए शॉर्टकट कीज के रूप में यूज़ करते हैं, जिसे आप आगे नोटपैड में सीख सकेंगे।